हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर टू का ट्राई आउट थ्री, मींस ये चैप्टर टू की एक्सरसाइज थ्री है। प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन। बच्चों को सब्ट्रैक्शन आप किस तरह से समझा सकते हैं, तो सब्ट्रैक्शन वो क्लास 1-2 से ही पढ़ते आ रहे होते हैं, तो सिंपल माइनस करना तो उन्हें आता ही है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बस सिंपल उनकी प्रैक्टिस के लिए है, तो माइनस करके देख लेते हैं। 7 - 5 आप बच्चों को फिंगर पर भी बता सकते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग से भी बता सकते हैं। फॉरवर्ड काउंटिंग से कैसे बताएंगे? लाइक नीचे दिया हुआ है 5, तो 5 के बाद से हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, कब तक? जब तक 7 नहीं आ जाता। तो 5 के बाद 6, 7, कितने टाइम्स में 7 आया? 2 टाइम्स में आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। नेक्स्ट 3 है, 3 को के बाद से फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे 5 तक, तो 3 के बाद आता है 4, 5, कितने टाइम्स में आया? 2 टाइम्स में, तो यहाँ भी आ जाएगा 2। नेक्स्ट 2 के बाद से फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे 6 तक, तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 6 तक हमने फॉरवर्ड काउंटिंग की, कितनी फिंगर ओपन हुई? 4 फिंगर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो इस तरह से फॉरवर्ड काउंटिंग से भी आप सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं। और सिंपली जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, लाइक 4 है तो 4 फिंगर ओपन किया, देन उसमें से 3 फिंगर हमने हटा दिया, कट कर दिया, तो 1 फिंगर बची, तो यहाँ लिखेंगे 1। इस तरह से भी सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं, तो 2 में से -1 हुआ 2, 6 - 4, 2। तो ये सारे हैं सिंपल सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये सिंपल सब्ट्रैक्शन था। यहाँ पे सी और डी जो है वो है बोरो वाले क्वेश्चंस, तो बोरो वाले क्वेश्चंस अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 5, 0, 2 - 2, 0, अब 8 - 9। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जब भी इस तरह का नंबर आता है तो 8 में से वो 9 नहीं माइनस कर पाते हैं, तो 9 में से 8 माइनस करके 1 लिख देते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देनी है कि कभी भी छोटा नंबर जब ऊपर दिया है तो वहाँ पे जब तक हम बोरो नहीं लेंगे वो माइनस नहीं हो सकता है। तो क्योंकि 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हम इसको 1 बोरो देंगे और यहाँ बच जाएगा 6, क्योंकि इसके पास से 1 चला गया। अब 18 में से 9 माइनस करना है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड काउंटिंग करके आप बच्चों को माइनस करना बता सकते हैं। 9 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 18 तक काउंट करेंगे, तो 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 में हमारी कितनी फिंगर ओपन हो गई? 5, 6, 7, 8, 9 फिंगर्स ओपन हो गई, मीन्स 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पे 6 - 5 है, 6 बड़ा है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर ईजिली माइनस हो जाता है, तो 6 - 5, 1। अब यहाँ पे 6 है और 7 है, तो 6 में से 7 माइनस नहीं होगा बिकॉज 6 स्मॉल है, तो 6 इसको 1, इससे 1 बोरो लेगा, यहाँ बच जाएगा 2। 16 में से 7 माइनस करना है, तो अगेन 7 के बाद से फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 तक काउंटिंग किया तो हमारी टोटल 9 फिंगर्स ओपन हुई हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 4 में से 7 माइनस होता नहीं है, 1 बोरो देंगे तो हो जाएगा 14, यहाँ बचेगा 5। 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, 5 - 2, 3, 9 - 8, 1। अब 0 में से 5 नहीं माइनस होता, यहाँ भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब भी ऊपर 0 है तो 0 में से 5 कभी भी माइनस नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 छोटा है। अगर ये 0 नीचे होता, 5 ऊपर होता, सो हम सिंपली 5 लिख देते, बिकॉज 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि ऊपर का नंबर है 0 तो इसमें से तो हमें ये माइनस करना ही, बट कैसे करना है, क्योंकि इसको नंबर हम बड़ा बनाएंगे तब, तो ये बगल वाले से बोरो मांगेगा, बट इसके पास भी 0 है तो ये अपने बगल वाले से बोरो मांगेगा, तो ये इसको 1 बोरो देगा, ये हो गया 10, यहाँ बचा 4, फिर ये इसको 1 देगा, ये हो गया 10, और यहाँ बच गया 9। 10 - 5 करेंगे 5, 9 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे 9 ही बच जाएगा, बिकॉज 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, और यहाँ 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 1।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट ऑल्सो चेक योर आंसर। यहाँ पे पहले इसे हमें अरेंज करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है और फिर अपने आंसर को चेक भी करना है। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन सी वाला करके दिखा दे रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप बच्चों को होमवर्क दीजिएगा और देखिएगा कि वो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर है 4, 3, 8, 5, 6, 4। जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है वो हमेशा पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। 8, 7, 6, 9, 4, 3। अब इसको करेंगे माइनस। 4 में से 8 माइनस होगा नहीं, ये इसको बोरो देगा, ये बन गया 14, यहाँ बच्चा 5। 14 में से 8 माइनस करेंगे 6। अब 5 में से 7 माइनस होगा नहीं, ये इसको 1 बोरो देगा, ये हो गया 15, यहाँ बच्चा 4। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 8। 4 में से 6 नहीं माइनस होगा, 1 बोरो देंगे, ये हो गया 14, यहाँ बच्चा 7। 14 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 8। देन 7 में से फिर 9 नहीं जाएगा, 1 बोरो देंगे 17, यहाँ बच्चा 2। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 8। 2 में से 4 माइनस नहीं होगा, 1 बोरो देंगे, यहाँ बच्चा 3। 12 माइनस 4 8 और 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0। आंसर आ गया 8, 8, 8, 8, 6। तो अब हमें इसी क्या करना है, चेक भी करना है। तो चेक करने में क्या होता है, जब भी आप इसको चेक करेंगे तो आपका ये वाला जो है ऊपर, ये सेम नंबर आना चाहिए। तो ये इस नंबर को हम बोलते हैं माइन्यूंड, ये नंबर होता है सब्ट्रहेंड और ये नंबर होता है डिफरेंस। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो सब्ट्रहेंड होता है मींस माइन्यूंड इज इक्वल टू सब्ट्रहेंड प्लस डिफरेंस करते हैं। हमें आंसर में लाना ये है, ये देखना है कि इन दोनों को प्लस करने पे हमारा ये वाला नंबर वापस आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे प्लस करते हैं 3, 4, 9, 6, 7, 8, इसमें प्लस कर देंगे ये वाला नंबर 6, 8, 8, 8, 8, 0। 8, 8, 8 plus 6, 14, 14 का 4 लिखेंगे 1 कैरी, 8 एंड 8 प्लस 1 9 और 9 प्लस 7 16, 16 का 6 कैरी 1, 8, 6, 14, 1, 15 का 5 कैरी 1, 9, 1, 10, 10 प्लस 8 18 का 8 कैरी 1, 8, 4, 12, 1, 13 का 3 कैरी 1, 3 plus 1, 4। तो अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा ये नंबर वापस आया कि नहीं। तो देखिए यहाँ 4, 3, 8, 5, 6, 4, तो सेम माइन्यूंट सेम आया है, इट मीन्स हमारा ये जो पूरा सॉल्यूशन था वो राइट है। तो इस तरह से ही बाकी के ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब ये सब्ट्रैक्शन में मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करने से पहले फार्मूलाज लर्न होने चाहिए, जैसे कि ये माइन्यूंड होता है, ये सब्ट्रहेंड होता है और ये होता है डिफरेंस। तो जब भी हमें माइन्यूंड फाइंड आउट करना है मीन्स ऊपर के कोई नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो सब्ट्रहेंड और डिफरेंस को हम ऐड करते हैं। और जब इन दोनों में से कोई भी नंबर मिसिंग होता है, जैसे सब्ट्रहेंड मिसिंग है तो माइन्यूंड में से डिफरेंस को माइनस करेंगे, और अगर डिफरेंस मिसिंग होता तो माइन्यूंड में से सब्ट्रहेंड को माइनस करेंगे। यहाँ पर मैं फॉर्मूला बना के दिखा भी देती हूँ कि माइन्यूंड इज इक्वल टू एस प्लस डी। माइन्यूंड अगर फाइंड आउट करना है तो सब्ट्रहेंड प्लस डिफरेंस करेंगे। अगर सब्ट्रहेंड फाइंड आउट करना है यानी बीच का कोई नंबर फाइंड आउट करना है तो माइन्यूंड में से डिफरेंस को माइनस करेंगे, और अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो भी माइन्यूंड में से सब्ट्रहेंड को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट नंबर यहाँ पर सब्ट्रहेंड मिसिंग है, सब्ट्रहेंड मिसिंग है, तो सब्ट्रहेंड निकालने के लिए माइन्यूंड में से डिफरेंस को माइनस करना है। तो माइन्यूंड ये है 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 0 है, यहाँ 4 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए माइन्यूंड में से सब्ट्रहेंड को माइनस करते हैं। अब आप देखेंगे माइन्यूंड तो 0 दिया हुआ है, इसमें से सब्ट्रहेंड कैसे माइनस होगा, तो ये इससे 1 बोरो ले लेगा, ये बन जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 7, और 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे सारे नंबर हैं, सेवन में से सिक्स माइनस होके वन, सॉरी सेवन में से वन माइनस होके सिक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगेन सबट्रहेंड है मिसिंग, तो सबट्रहेंड निकालने के लिए माइन्यूट में से डिफरेंस को माइनस करते हैं, तो फाइव में से थ्री माइनस करेंगे तो आएगा टू। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, माइन्यूट में से सबट्रहेंड को माइनस करना है। डिफरेंस निकालने के लिए माइन्यूट माइनस सबट्रहेंड, तो अब यहाँ पे सिक्स है, सिक्स में से तो एट माइनस हो नहीं सकता, तो इसको वन बोरो दे देंगे, ये हो जाएगा सिक्सटीन, यहाँ बच जाएगा थ्री। सिक्सटीन में से एट माइनस करेंगे तो आ जाएगा एट। अब थ्री है और वन है, सबट्रहेंड मिसिंग है, तो सबट्रहेंड निकालने के लिए एम में से डिफरेंस को माइनस करते हैं, मीन्स थ्री में से वन को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू। तो इस तरह से आप मिसिंग डिजिट पढ़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन और फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अगेन डिफरेंस मिसिंग है सिक्स माइनस फोर टू, यहाँ भी डिफरेंस मिसिंग है एट माइनस सेवन वन, ये लिखा हुआ है। यहाँ माइन्यूट मिसिंग है, तो माइन्यूट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखवाया एस प्लस डी, मीन्स सबट्रहेंड और डिफरेंस को हमें प्लस कर देना है, तो फोर प्लस टू सिक्स हो गया। अब यहाँ पे सबट्रहेंड मिसिंग है तो माइन्यूट में से डिफरेंस को माइनस करेंगे तो एट माइनस सिक्स करेंगे तो आ जाएगा टू। तो इस तरह से मिसिंग डिजिट आप बच्चों को पढ़ाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई आउट फोर करेंगे, जिसमें इसमें फोर वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं सब्ट्रैक्शन टॉपिक से रिलेटेड, और हम इनमें छोटे छोटे थिंक एंड आंसर इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं मेंटल मैथ टाइप, तो ये भी हम अपने अगले वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।